हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि 12th क्लास का पार्ट बी से रिलेटेड है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर की शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे। और हम लोग आज के क्लास में सिर्फ ये समझेंगे कि आखिर मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और आखिर क्या ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है जो आज के बिजनेस में एक रिवोल्यूशनरी ग्रोथ लेकर आ रहा है और आखिर किन फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत तेजी गति से, है ना, अपने बिजनेस को मार्केट किंग बना सके। तो बेसिकली अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आप जो चीज दिन ब दिन आप टीवी में एड देखते हो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्ट्रेटजी छिपा हुआ रहता है कंपनी का, और उस स्ट्रेटजी के बारे में ही हमको यहाँ पे पढ़ना है और मार्केटिंग मैनेजमेंट के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में बेचेंगे, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है, पैकेजिंग का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या रोल है, है ना, आपका मीडिएटर मिडिल मैन, एक मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में वेरियस मिडिल मैन होते हैं, उन मिडिल मैन का क्या रोल है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अगर बात करें ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली क्या होता था कि सेलिंग और मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं होता था। सेलिंग मीन्स क्या, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज सेलिंग, तो आप बस सिंपल सा जवाब दे दोगे, सर बाई हुक और बाई क्रूक गुड्स को एकदम बेच देना है एनी हाउ। और जैसे ही ये सेल एग्जीक्यूट हो जाता है, हम कहेंगे कि हाँ सर गुड्स सेल हो चुका है। बट मार्केटिंग सिर्फ इसकी बात नहीं करता। आज के डेट में आपको पता है मार्केट में किंग जो है वो कस्टमर है। अगर कस्टमर का नीड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कस्टमर के नीड को आप आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर रहे, तो आपकी कंपनी मार्केट से वाइप अप हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया। नोकिया आप जानते हैं, एक समय था इंडिया में हर घर में अगर मोबाइल है या फिर जिस घर में भी मोबाइल है, तो 95% या फिर 90% चांसेस होता था कि नोकिया का मोबाइल होगा। बट जैसे जैसे समय चेंज हुआ, एंड्रॉइड वर्जन आया, नोकिया उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया और वो मार्केट से वैनिश हो गया। तो कहीं ना कहीं चेंजिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी एक बिजनेसमैन का रिक्वायरमेंट होता है। आप अगर कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हर कस्टमर के वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपका बिजनेस उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। आप आज देखते हो एरियल जैसा बड़ा ब्रांड, एरियल जानते हैं, सर्फ एक्सेल जानते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड जो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचती है, वो भी 2 रुपए का सैसे में प्रोडक्ट बेच रहा है, ताकि इसलिए कि उसका रीच हर कस्टमर तक पहुंचे। जो 1 केजी का पैकेट खरीदता है वो भी आपका प्रोडक्ट खरीदे, और जो 2 रुपए का पैकेट खरीदने में इंटरेस्टेड है वो भी आपका कस्टमर बना रहे। तो कस्टमर बेस अगर बढ़ाना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो आपको कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सारे लेवल के कस्टमर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो डेली वेजेस कमाने वाला इंडिविजुअल्स हो। कस्टमर इज अ किंग, और कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं डिफरेंट साइजेस में, आप पैंटीन की बात करिए, है ना, लॉरियल पेरिस की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गार्नियर, है ना, बड़ी बड़ी ब्रांड है शैम्पू की, और हर ब्रांड या तो 1 रुपए का सैसे या तो 2 रुपए का सैसे मार्केट में लॉन्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने कस्टमर के बेस को बढ़ाने के लिए, है ना। हो सकता है कि जो कस्टमर आज 1 रुपए का 2 रुपए का सैसे यूज कर रहा है, हो सकता है कि कल वो डब्बा भी यूज करे, ठीक है। आप जानते हो पार्ले जी बहुत प्रीमियम ब्रांड है, पार्ले का सबसे बड़ा अगर कोई ब्रांड है, ब्रांडेड बिस्किट है, तो पार्ले जी है। पार्ले जी बहुत पहले से 3 रुपए में बिक रहा है और आज भी 3 रुपए में बिक रहा है। हालांकि उसका पैकेट 25 रुपीज का भी आता है, 50 रुपीज का भी आता है, उसका डब्बा भी आता है, बट अभी भी वो 3 रुपए का, इस महंगाई के जमाने में भी 3 रुपए का प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में
स्टेब्लिश किए हुए हैं। अभी भी लोग 3 रुपए का बिस्किट पार्ले जी, है ना, नाम में ही जीनियस है, अभी भी लोग परचेस कर रहे हैं। तो ये कंपनी का स्ट्रेटजी है कि जो सेंटिमेंट है कस्टमर्स का, जो एक लगाव है, 3 रुपया का जो फीलिंग है, उस फीलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप जानते हो 10 रुपए का घड़ी सरफ या फिर टेस्टी ट्यूब जो आता था क्लोजअप, पहले आता था 10 रुपए में 100 ग्राम 150 ग्राम, आज के डेट में आता है मात्र 30 ग्राम। 10 रुपए में आपको सिर्फ 30 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन चीज क्या है कि कंपनी प्राइस के साथ वॉर नहीं कर रही है। कंपनी जानती है इस बात को कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है, अगर 1 रुपया भी प्राइस चेंज कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप पहले 10 रुपये में 100 ग्राम देते थे पेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई आया आप 90 ग्राम कर दो, मगर 10 रुपया ही दो, 10 रुपया में ही प्रोवाइड करो, क्योंकि कस्टमर के साथ एक लगाव हो गया है प्राइस का कि उसको वो प्रोडक्ट 10 रुपये में ही चाहिए। डजंट मैटर क्वांटिटी क्या है। आप कभी भी जब मार्केट में जाते हो तो आप ज्यादा फोकस रखते हो प्राइस पे। आप 10 रुपए का घड़ी सर्फ ले लीजिए, 10 रुपए का सर्फ एक्सेल ले लीजिए, है ना, या फिर टेस्ट पेस्ट ले लीजिए, प्राइस पे आपका ज्यादा फोकस रहता है, क्वालिटी पे भी फोकस रहता है। क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है, आप खरीद रहे हो तो क्वालिटी है, मगर वही प्रोडक्ट अगर 10 रुपए से 12 रुपया कर दिया गया, सेल आपका डाउन हो जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेस्ले का मैगी। आपको याद होगा नेस्ले का मैगी का प्राइस बीच में अभी अभी भी 5 रुपये में ही मिलता है मैगी, ठीक है, पहले भी 5 रुपये मिलता था, बीच में कंपनी उसका प्राइस 6 रुपये कर दी थी, कंपनी का सेल 35% से डाउन हो गया। बताओ इतनी प्रीमियम ब्रांड, नेस्ले जैसा ब्रांड और मैगी का जो टेस्ट है उसको जब सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है 1 रुपये के कारण, तो और कोई ब्रांड की तो बात ही मत करो, बात समझे। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस सेंसिटिव होता है कस्टमर। तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बेसिकली अभी जो हम आपको बताए, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने का कोशिश किए, इन्हीं फैक्टर्स के बारे में कंपनीज ध्यान में रखती हैं कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस। ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे जो हजार्डियस ना हो, कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस की तो बात करते ही हैं, क्वालिटी कॉन्शियस भी होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए और साथ ही साथ प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले के जमाने में कंपनी सिर्फ सेल करना चाहती थी प्रोडक्ट बाय हुक और बाय क्रूक। इट डजंट मैटर कि कस्टमर को उस चीज का नीड है कि नहीं, कस्टमर क्या चाहता है इट डजंट मैटर, पहले के कॉन्सेप्ट में ये होता था। बट आज के डेट में कस्टमर इज किंग, पहले कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कस्टमर किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को देख रहा है। आप देखते हो कोई भी ब्रांड की बात करें, इजी की बात करें, इजी जो गर्म कपड़ा धोने के लिए यूज होता है, डब्बा भी आता है 1 kg का, 1/2 kg का, 250 ग्राम का, और 5 रुपए का सैसे भी आता है, 10 रुपए का सैसे भी आता है, 2 रुपए का सैसे भी आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कस्टम कंपनी जान रहा है कि हमको हर घर तक पहुंचना है, तभी हमारा मार्केट कैप्चरिंग इंक्रीज होगा। और हर घर में पहुंचना अगर है तो आपको हर कस्टमर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में, अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग प्राइस रेंज का, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केटिंग, कि एक भी कस्टमर छूटे ना, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, चाहे डेली वेजेस कमाने वाला, सबको पकड़ के रखेंगे, सबको बांध के रखेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं कि आपके चैप्टर का कंटेंट क्या है। तो बेसिकली इतना कुछ समझने के बाद, एक ओवरव्यू देने के बाद, अब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सर इस चैप्टर में जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कस्टमर के बारे में पढ़ना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का नीड का क्या इंपॉर्टेंस है और कस्टमर को किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफर करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें इस चैप्टर के कंटेंट की, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज किसका आएगा, मार्केटिंग क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और कॉन्सेप्ट फंक्शन एंड फिलॉसफी। आपको पता है मार्केटिंग के बहुत सारे फिलॉसफी भी दिए हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे।
आज बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स में 4P, यहाँ पे 4P के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 4P, और 4P क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्लेस हो गया ये, इसको हम लोग प्लेस बोलेंगे, ठीक है, प्लेस और प्रमोशन, 4P। तो 4P का क्या इंपॉर्टेंस है, 4P का क्या रोल है आपके मार्केटिंग में, ये हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांडिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, आखिर क्यों कंपनी पैकेजिंग इतना तगड़ा रखती है। आप देखते होंगे पैकेजिंग का क्या रोल होता है, अच्छा पैकेट, अच्छा अगर पैक किया हुआ है प्रोडक्ट तो कस्टमर बहुत जल्दी इसको क्विकली रिसीव करता है, ठीक है। लेस की बात करिए आप, 5 kg आटा का पैकेट का बात करिए। अब जैसे आप देखते होंगे एक कॉमन सा चीज कि 5 kg का कोई तेल है ना, रिफाइंड ऑयल, आप 5 लीटर का डब्बा खरीद रहे, तो आप देखते होंगे उसमें एक ऐसा डब्बा जो डिजाइन है सेव किया जाता है कि आप उसको इजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ये भी, हाँ ये भी ध्यान रखती है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम ऐसा बेच रहे हैं जो कि हैवी है तो अट्रैक्टिव तो होना चाहिए, पैकेजिंग प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही साथ इजी टू हैंडल भी हो, है ना। अगर हम 5 लीटर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो भाई 5 kg होल्ड करना उसके लिए एक सेफ होना चाहिए और वैसे हैंडी मोड में होना चाहिए वो। तो पैकेजिंग में क्या क्या ध्यान में रखते हैं कि भाई प्रोडक्ट सेफ रहे, डैमेज ना हो, अट्रैक्टिव भी हो और साथ ही साथ इजी टू हैंडल भी हो, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग पैकेजिंग होता है। प्राइसिंग के बारे में भी हम अभी थोड़ा बहुत चर्चा किए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि भाई आपको समय पर प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रमोशन। आज देखते हो आज के डेट में कंपनी, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगी हुई है, है ना। आप देखते हो आजकल के डेट में एड आ रहा है ज्यादातर वायरस फ्री कपड़ा, वायरस फ्री पेंट, वायरस फ्री प्लाईबोर्ड, वायरस फ्री मतलब आप मेरा प्लाईबोर्ड लगाइए आपको वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। लोगों का नीड हो गया है कि भाई हमको वायरस से तो अब डर लगता है, वायरस से हर कोई जो भी अनजान था वो नोन हो गया। अब लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई मेरे कंपनी का कपड़ा खरीदिए, मेरा कंपनी वायरस को टिकने ही नहीं देता। अब टिकने नहीं देता है ये तो पता नहीं है, मगर अट्रैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद च्यवनप्राश, सालों भर खाइए, 12 महीना खाइए, आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, ठीक है, लाइफ बॉय द्वारा जनहित में जारी। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, प्रमोशन का तरीका है। करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कंपनी तुरंत अपना स्ट्रेटजी बनाती है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कोशिश करती है। डिटॉल, बेहतर को और बेहतर बना रहे हैं, है ना। डिटॉल से बेहतर क्या हो सकता है, तो डिटॉल से बेहतर नया डिटॉल हो सकता है जो 99.99% वायरस मारता है, बताओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक है ना, माँ माने डिटॉल का धुला, है ना। तो ये सब कस्टमर के सेंटीमेंट के साथ खेलकर कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो ये सारे जो भी आप टीवी में एड देखते हो, जो भी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में भरा हुआ है। तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, बशर्ते कि इस चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब समझे, इतना मार्केटिंग के बारे में समझे। अब मार्केटिंग को अगर सटीक टर्म में आइडेंटिफाई करने की बात करें तो क्या होता है मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को मैनेज करना। अगर ट्रेडिशनली बात करें, पहले के जमाने में अगर बात करें तो सेलिंग एंड मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं था, है ना। सेलिंग मतलब भी और मार्केटिंग मतलब भी एक ही था कि भाई
गुड्स को बेच देना है, मगर आज के डेट में मार्केटिंग का मतलब बदल गया है. इन दिस मॉडर्न एरा, मॉडर्न एज, द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कंज्यूमर प्ले अ वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात तो कस्टमर का बहुत बड़ा रोल बढ़ गया है, कस्टमर को सिर पे रखना पड़ेगा, कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा. और दूसरा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. यहाँ पर देखो, अलग अलग फिलोसफर के द्वारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया गया है ना, आप सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, हम एक के बारे में आपको पढ़ा देते हैं. जे एफ प्ले, मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये वो बिजनेस का फेज है जहां पर थ्रू विच द ह्यूमन वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. मतलब तुमको समझ में आ रहा है यहाँ पर मेन एलिमेंट क्या है, ह्यूमन वॉन्ट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड. आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का और अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आप ह्यूमन के वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो भाई पंगा है. बात समझे? तो किसी का भी आप फिलिप का देख लो, फिलिप कॉटलर है ना, कॉटलर का देख लीजिए, किसी का भी आप देख लीजिए, उसमें आपको एक ही चीज दिखेगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस. कस्टमर को, कस्टमर का नीड को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो, अगर आप अपने बिजनेस को वेल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू विद अदर. मार्केटिंग क्या, एक सोशल प्रोसेस इसको बोल दिया गया, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ उनके नीड को सेटिस्फाई करते हैं, आप एक्सचेंज करते हैं, आप गुड्स ऑफर करते हैं, आप सर्विसेज ऑफर करते हैं. द मार्केटर हु हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू डेवलप द प्रोडक्ट हु वर्क हार्ड सॉरी द मार्केटर हु वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू डेवलप द सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम. एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मार्केटर क्या करता है, वर्क हार्ड करता है. क्यों वर्क हार्ड करता है, वो डिस्कवर करना चाहता है कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट दे कि उसका नीड सेटिस्फाई हो जाए. ऑल द फर्म ट्राई टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच विल बी डिमांडेड बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट. हर वो कस्टमर चाहता है, हर वो सेलर चाहता है कि भाई हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करे. ठीक है, चल. तो बेसिकली अगर बात करें तो मार्केटिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा. मार्केटिंग मतलब होता है कि आप कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेंगे और तभी आपका मार्केटिंग सक्सेसफुल होगा. आपको कस्टमर के नीड को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. अब फीचर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको चार या पांच फीचर्स दिया हुआ है ना, चार फीचर्स है. चलिए चारों फीचर्स को अच्छे से समझते हैं. सबसे पहला है मार्केटिंग का नीड एंड वांट. हर कस्टमर का कुछ ना कुछ नीड होता है और वांट होता है ना. नीड क्या होता है, नीड और वांट में डिफरेंस है. नीड होता है बेसिक चीज का, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसका नीड होता है. और वांट क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान खाना खाना है, ये नीड है. मगर हमको तो खाना है तो पिज्जा ही खाना है, ये हो गया वांट. ये क्या हो गया, वांट भाई डिजायर है मेरा, हमको वांट है कि हम खाएंगे तो पिज्जा ही खाएंगे.
तो नीड और वांट दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो फोकस ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहला बात तो मार्केटिंग क्या करता है, नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। ऑल द एक्टिविटी इन द मार्केटिंग आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नीड को सेटिस्फाई करना, वांट को सेटिस्फाई करना, कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना मेन मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो मार्केटिंग का सबसे पहला मकसद क्या होता है, नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना। दूसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग मतलब आप देखते हो मार्केट में कोई भी ब्रांड की बात करो, है ना, इजी की बात करें तो इजी गोदरेज का जो इजी प्रोडक्ट आता है गर्म कपड़ा धोने के लिए, 2 रुपए के सैसे में भी आता है, 10 रुपए के सैसे में भी आता है, आपका हाफ केजी का डब्बा में भी आता है, है ना। ताकि जिनके पास कम पैसा है या फिर वो टेम्पोरी बेसिस के लिए खरीदना चाहते हैं वो सैसे खरीद लें, और जो घर में यूज करना चाहते हैं वो बड़ा डब्बा खरीद लें। आप टेलीविजन की बात करें, सोनी ब्रांड की बात करें, आपको स्मार्ट टीवी भी ऑफर करता है, ओएलईडी टीवी भी ऑफर करता है, 32 इंच का टीवी भी ऑफर करता है, 23 इंच का भी टीवी ऑफर करता है, 50 इंच का भी टीवी ऑफर करता है। मतलब मार्केट ऑफरिंग होना चाहिए, मतलब कस्टमर जब आए तो कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमको ये प्रोडक्ट चाहिए था और आप ये कंपनी बना ही नहीं रही है। आपको जैसा साइज चाहिए, जैसा शेप चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए, एक कोशिश किया जाता है कि कंपनी आपको ऑफर करे, है ना, एक ही तरीके का आउटलुक ना। तो मार्केट ऑफरिंग कहने का मतलब मार्केटिंग सबसे एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, प्रोडक्ट मार्केट ऑफरिंग करता है। आपको अलग अलग फीचर, जैसे शैम्पू की बात करें, ड्राई हेयर के लिए अलग शैम्पू, डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, आपको कूल चाहिए तो कूल मेंथोल का अलग शैम्पू है ना, सिल्की एंड शाइनिंग हेयर चाहिए तो उसके लिए अलग शैम्पू है। तो मतलब कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग मार्केट ऑफरिंग किया जाता है कि भाई तुमको क्या चाहिए बोल, तुमको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए अलग शैम्पू, ठीक है। तो मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज बाई स्पेसिफाइंग फीचर, शेप, साइज, कलर। अब इसे कलर कहने का मतलब, आपको पता है कि बच्चा को ना चटपटा कलर मजा आता है ना। बच्चा कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको फंकी कलर वाला प्रोडक्ट चाहिए, है ना। वो ब्लैक कलर का कोई प्रोडक्ट तुम बेचोगे बच्चे को नहीं खरीदेगा, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट बेचोगे नहीं खरीदेगा वो, मगर वही आप फंकी कलर रखिए, 4-5 कलर मिक्स कर दीजिए, येलो, रेड, ग्रीन, है ना। आप उसमें उसके फेवरेट कार्टून का कैरेक्टर का इमेज उसमें लगा दीजिए, देखो तुरंत बिक जाएगा। तो एक छोटा बच्चा भी कस्टमर होता है कंपनी के लिए, क्योंकि जब बच्चा पापा के गोद में दुकान पे जाएगा तो जिद करेगा पापा हमको वो चाहिए, और कंपनी इस चीज को ध्यान में रख के प्रोडक्ट में वो छाप छोड़ती है, बात समझे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर इज टीवी, देन स्पेसिफाइंग द वेरियस साइज is available, various technology available, various shape is available, ठीक है। तो कहीं ना कहीं market offering भी बहुत बड़ा role play करता। Next है फिर आपका marketing का सबसे next feature जो कि बहुत important है, customer value। भाई एक customer अपना hard earn money, मेहनत से कमाया हुआ पैसा को use करता है आपके product खरीदने के लिए, है ना। कस्टमर को टीवी खरीदना, तो टीवी खरीदने के लिए वो मेहनत करके पैसा कमाया है, तो वो जो पैसा हार्ड एंड मनी है उसको वो तभी आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करेगा जब उसके अंदर एक वैल्यू होगा, यानी कि उस प्रोडक्ट में एक ऐसा वैल्यू होगा जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जरूर ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे पास सर सोनी का 32 इंच का टेलीविजन है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, मगर इसका प्राइस आप रखे हैं 50,000 रुपीज, तो भाई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा आपका। कस्टमर वैल्यू होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए वो, साथ ही साथ
कस्टमर के नीड को भी सेटिस्फाई करे, है ना। देयर शुड बी मैच बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफरिंग बाय द प्रोडक्ट। क्या वो वैल्यू ऑफर कर रहा है वो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, दोनों मैच करेगा तभी जाके आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। जैसे आप जीन्स के दुकान पे गए जीन्स खरीदने, दुकानदार बोला कि भैया ये जीन्स का दाम 2000 रुपया है, आप तुरंत दुकान से बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? दुकानदार आपको बोला कि भाई ये जीन्स 2000 का है, और आप दुकान से बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि आपको लगा कि ये जो जीन्स है उसका वैल्यू 2000 के बराबर नहीं है। अगर आपको लगता तो आप खरीदते, और अगर आपको नहीं लग रहा तो आप नहीं खरीदे। तो कस्टमर वैल्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए, कस्टमर इज रेडी टू गिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट्स सेटिस्फेक्शन और ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटी मैचिंग टू द प्राइस। जितना प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप पैसा नहीं पे कर रहे हैं, पैसा चार्ज नहीं कर रहे, तो जितना प्राइस है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का क्वालिटी होना चाहिए। कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट। मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर प्रेफर योर प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटर। तो एज अ मार्केटर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कस्टमर के नीड को भी सेटिस्फाई करें और प्राइस वर्दी हो, ताकि कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना चूज करके आपका प्रोडक्ट चूज करें। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब आपको पता है कोई भी गुड्स का जब सेल एंड परचेज होता है तो वहां पे होता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज कहने का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वर्थ ऑफ मनी। कुछ पैसे के लिए जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो इसके लिए कुछ एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, जैसे प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टी, कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है, पहला बायर और दूसरा सेलर। अब देखो बायर बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मिनिमम दो पार्टी होना चाहिए, बायर और सेलर। अच्छा, बोथ पार्टी मस्ट हैव समथिंग वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों पार्टी के पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीविजन का दुकान है, तो हम अपना टेलीविजन बेचना चाहते हैं, आप एज अ कस्टमर आए, तो हमको चाहिए आपका पैसा और आपको चाहिए मेरा टेलीविजन। तो मेरे पास जो है वो आपको चाहिए, आपके पास जो है वो हमको चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है दोनों के लिए, तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा, मैकेनिज्म एक्सचेंज का मैकेनिज्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ऑफर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि आप किसी पे बर्डन नहीं लगा सकते कि तुम दुकान में आए हो तो खरीद के जाओ, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये चीज तो कभी होता ही नहीं कि नहीं आप खरीदवे करिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है ईच पार्टी फील डिजायरेबल टू डील विद द अदर, है ना। हर पार्टी, दोनों पार्टी एक दूसरे से डिजायरेबल होना चाहिए, इच्छा अनुसार डील होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। एंड लास्ट है ईच पार्टनर इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। एंड दोनों पार्टी कैपेबल होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि हम आपके बात को समझ रहे हैं, आप मेरे बात को समझ रहे हैं, हम आपके नीड को सेटिस्फाई करेंगे, आप मेरे नीड को सेटिस्फाई करेंगे। एंड गुड्स एंड सर्विसेज का डिलीवरी होना चाहिए, यानी कि अगर पैसा पे किए तो उसका डिलीवर होना चाहिए। तो बेसिकली आज की बात करें तो देखो यहां पर आपको दे रहा है नीड वांट एंड डिमांड, ठीक है। नीड मतलब क्या होता है, बेसिक नेसेसिटी, एजुकेशन, कपड़ा, छत, वाटर, एयर, ये क्या है, नीड है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। वांट क्या होता है, मोर देन द नीड, नीड से थोड़ा बढ़ के, हमको चावल खाना है मगर हम बासमती इंडिया गेट बासमती राइस खरीदेंगे, ये हो गया वांट। डिमांड क्या होता है, वांट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड की बात करें, देखो
वांट की बात करें, देखो वांट जैसे मेरा, हम एक फोर व्हीलर से चल रहे हैं, मगर मेरा वांट है कि भाई हम फोर व्हीलर में भी ऑडी रखें, तो ये मेरा वांट है। बट वांट डिमांड में कब कन्वर्ट होगा? मेरा वांट है कि हम ऑडी कार खरीदे, ये मेरा वांट है, ये मेरा नीड नहीं है। कार से चलना किसी का नीड नहीं होता, वो क्या होता है, वांट, कि भाई हम चाहते हैं कि ऑडी कार से चले। मगर ये वांट तभी फुलफिल होगा जब मेरे पास परचेजिंग पावर रहेगा, परचेजिंग पावर रहेगा। अब बताओ, हम इच्छा रखें कि ऑडी कार से चले और मेरे पास वो पैसा ही नहीं है, तो क्या ये वांट कभी सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं। तो वांट प्लस परचेजिंग पावर, वांट प्लस परचेजिंग पावर इज इक्वल टू हो जाता है डिमांड। मेरे पास इच्छा है ऑडी कार खरीदने का और मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, जैसे ही दोनों कंप्लीट हो जाएगा डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो डिमांड जो है वो बैक्ड विथ परचेजिंग पावर होता है, वांट जो है वो बैक्ड विथ परचेजिंग पावर होता है। जब आपके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, मेरा इच्छा है भाई हेलीकॉप्टर से चले, मगर हेलीकॉप्टर का खर्च रेंट बियर करने का पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो वांट वांट ही रह जाएगा, डिमांड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। डिमांड में आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आप उस चीज को परचेजिंग पावर से सपोर्ट कर पाते हो। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।